हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आप लोग ज़रूर ये 5 टिप्स को फॉलो करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोइए, अपने नाक और मुंह को मास्क से ढक के रखिए। किसी को भी अगर फ्लू है या ठंडा लगा है या बुखार है तो उससे कम से कम 1 मीटर का दूरी बनाए रखें। आप लोग अगर चिकेन्स या मीट्स या एग्स खा रहे हैं, मतलब अंडे खा रहे हैं, तो उसको ज़रूर अच्छे से बॉयल करके खाइए, और कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल के साथ क्लोज कांटेक्ट में मत जाइए। फ्रेंड्स, इस 5 चीज़ों को अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँच सके। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग बजाज फाइनेंस से लिया गया कोई भी आइटम का अगर लोन क्लोज हो जाता है तो उसका आप इनओसी कैसे निकालेंगे अपने कंप्यूटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इनओसी को निकालने के लिए पहले आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइप करना पड़ेगा बजाज फिनसर्व, और वहाँ से आपको क्लिक करना है कस्टमर पोर्टल में। कस्टमर पोर्टल से आपको जाना होगा माय अकाउंट में, माय अकाउंट से कस्टमर पोर्टल। कस्टमर पोर्टल में क्लिक करने के बाद लॉगिन वाला जो विंडो आएगा उसमें आपको आपका मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी या तो ईमेल आईडी टाइप करना है जो कि बजाज फिनसर्व में या बजाज फाइनेंस में आपका पहले से रजिस्टर किया हुआ है। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ जो बजाज फाइनेंस में लिंक किया हुआ है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी में क्लिक कीजिए। आपको अगर पासवर्ड मालूम है तो आप आई हैव ए पासवर्ड में क्लिक करके भी पासवर्ड डाल सकते हैं, या तो आप सेंड ओटीपी में क्लिक, पहले से किया हुआ रहेगा, आपको बस जनरेट ओटीपी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट करने के बाद एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज से आपको जाना है ई स्टेटमेंट्स में। ई स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जितना भी सारा लोन्स था पहले का जो क्लोज हो गया है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके साथ साथ जो भी लोन्स एक्टिवेट हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप वही लोन्स का बस एनओसी निकाल पाएंगे जो कि क्लोज हो गया है। और यहाँ पे देखिए नो ड्यू सर्टिफिकेट में दिखा रहा है जो भी लोन्स आपका क्लोज हुआ है उसी का एनओसी अवेलेबल है, बाकी का जो एक्टिवेट है उसी का एनओसी अभी तक अभी जो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कोई भी एक एनओसी को डाउनलोड करके। तो बहुत ही ईजी है, बस यहाँ पे क्लिक करना है जो लोन्स आपका क्लोज हो गया है उसी का लाइन में। देखिए नो ड्यू सर्टिफिकेट में एक छोटा सा पेज जैसा आइकॉन दिखा रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए नो ड्यू सर्टिफिकेट आ गया है। ठीक है, तो ये एनओसी का ज़रूरत कब होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी बाद में इस लोन को लेके कोई भी इशू होता है तो आप इस एनओसी को प्रोवाइड कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए डाउनलोड पीडीएफ है, इसमें क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनओसी डाउनलोड हो गया है, और इसको मैं फिर से खोल के एक बार आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो एनओसी को लेने के लिए आपको अभी और बजाज फाइनेंस का ऑफिस में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के आपका जो एनओसी है वो आप पा सकते हैं। तो एनओसी के साथ साथ आप लोग ये जो पेज है, इस पेज से और भी कई सारा जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोन्स, आपका क्या क्या लोन्स है अभी तक का, ठीक है, वो भी आप देख पाएंगे। EMI नेटवर्क कार्ड, आपका जो कार्ड्स हैं कितना, जो भी कार्ड्स है वो यहाँ पे शो होगा, उसका अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड्स। उसका एक्सपायरी डेट कार्ड का कब है नहीं है वो भी सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम लोग अपना बजाज फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकालने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे जाने के बाद लॉग आउट में क्लिक करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉग आउट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।